अरे भाई, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बंद करूँ, पता नहीं चल रहा है। क्योंकि यार ये फर्स्ट वीडियो है जो कि मैट्रिक का इंसान भाई के वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे इस छोटे से चैनल में और वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिग बॉस वही जहरीला शो जिसका एक एवरेज व्यूअर सामने वाले को सोते हुए देख के भी एंजॉय कर ले। प्लीज वेलकम फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान। देखो यार, तुम मानो या न मानो, लेकिन बंदे में बहुत दम है। क्योंकि ऐसा भाई पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बंदा ना, मतलब हनकल ओडा सिधर जा, सॉरी हम उधर बोल रहे थे, परेशान कर रहा है छोरा। तो क्या बोलने वाले थे, हाँ, जो कि 24 घंटे के अंदर बिग बॉस को उसकी नानी याद दिला दी। बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ना ऑडियंस से एक वोटिंग करवाई थी और उस वोटिंग के हिसाब से हर एक कंटेस्टेंट की रैंकिंग डिसाइड हो रही थी। तो अभिषेक को सबसे ज्यादा एक नंबर भाई साहब। वन आई जैसे उसकी रैंक वन अनाउंस हुई, बुकरा इंसान एक पर है। इन सब देख रहे हो, तोते उड़ रहे हैं भाई। देवर इन डिसबिलीव, शॉक में है लोग के भाई ये कौन है, ये गजब। हु इज दिस अभिषेक बुकरा इंसान, ये तो बस एक यूट्यूबर है ना, ये एक यूट्यूबर हो के रैंक वन पे कैसे है, इसको देखो भाई। ओ माय गॉड, इसको हम तो कभी देखा, जानता भी नहीं है भाई, रियली में बोलता। अरे गुरुजी, आप कहाँ थे इतने बड़े ज्ञान लेके, हमको अभी पता चल रहा है कि फुकरा वो इंसान होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए तो उनके चैनल पर अभी 6 मिलियन सब्सक्राइबर है। शायद वो कर पाते तो 1-2 मिलियन रहता ना पक्का। अरे बात मानिए, आपके जो लोलू थोलू थोड़ी है, सुनेंगे लाइन मत बाकी है। कभी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर तुमसे कुछ पूछ रहा होता है, बात तुम बोलना शुरू करो। तो हाँ अंकल जी, यहाँ पे बोल सकते थे कि स्टॉप बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दो। बट क्या इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर घमंड भर रखा है, हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए, ये हवा ज्यादा भरी हुई। अच्छा बीच में वो टोक दिया तो उसके अंदर हवा भरा हुआ। चुप साला, तुम क्या क्या होता है, तुम्हारे अंदर भी बहुत हवा बोला है, बुझा रहा हमको। गाड़ी में बात करेंगे ना तब पता चल। अरे आप लोगों को नहीं बोले हैं, एक ससुरा पागल है समझे, वो रोज यहाँ पे बहुत बदमाश करता, मन तो करता बड़ी पिटाई करे। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जस्ट बिकॉज मैं जल्दबाजी में आपकी बात के बीच में बोलना शुरू कर दिया तो मैं घमंड, कोई लॉजिक है, कोई सेंस लॉजिक तो है ही नहीं, मुझे बताओ यार, कमेंट करके। नकली हवा, नकली हवा, 3-4 बार बोला उन्होंने नकली हवा भर रखी है। देखिए वैसे तो मेरे माँ बाप ने सिखाया कि हर किसी के साथ हम्बल होके ह्यूमिलिटी एक साथ रहना चाहिए। एंड अभिषेक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिप्लाई दे दिया था कि ये एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है वैसे हवा नहीं है। बट स्टिल अंकल जी, आप अपनी जिस बबल में जी रहे हो ना, जिस स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहे हो जिसमें आपको लगता है कि नकली हवा है, मैं आपको बता दूं हवा तो यूट्यूबर्स की। टिगर भाई, आपका बात यहाँ पे हम कट करते हैं, क्योंकि यूट्यूबर का तो हवा चल ही रही है, मेंशन मेरा नहीं चल रहा है, क्या करूँ। नहीं रहना मुझको आप लोग के साथ, मा मैं आ रहा हूँ, मा भाई ये बात दिल पे लगी। कुछ नहीं होता भाई, ऑडियंस के वोट पे ये कुछ नहीं होता, बिग बॉस में ऐसे ही करते हैं। बहुत बोलता नहीं, बहुत करता। अच्छा जब इस जनता का सिलेक्शन करना था तो उस जनता को का चूतिया काटने के लिए सिलेक्शन में बोल लेते हैं कि जनता ऑडियंस वोट, ऑडियंस वोट।
हमारा कद्दू। अभिषेक ने एक जगह बोल दिया कि मुझे नहीं पता पूजा भट्ट कौन है। नहीं जानता तो अब क्या बोलूं। ये पहचानियों ने देख रहे हैं यार, मैंने बोला पूजा भट्ट। भाई लोग पीछे पड़ गए उसके के, तू पूजा भट्ट को कैसे नहीं जानता? पूजा भट्ट, ओ माय गॉड, पूजा भट्ट। तू तू धर्मेंद्र को नहीं जानता यार? धर्मेंद्र को जानता? धर्मेंद्र को नहीं जानता? आप कह रहे हो क्या धर्मेंद्र? मैं कह रहा हूँ। अरे नहीं जानता भाई, मैं भी नहीं जानता पूजा भट्ट कौन है। हमारे पैदा होने से पहले वो फिल्मों में थी, अब नहीं जानते उसको। एंड वैसे भी भाई कौन है पूजा भट्ट? आलिया भट्ट की बहन, या वो जिसके पापा ने ये बोला था कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। जब मैं गूगल पे पूजा भट्ट नाम से सर्च किया तो पता चला, अरे भाई ये तो सिंगिंग करती है। तो लगा मुझे कि बहुत ही संस्कारी होगी, लेकिन जब इसके पेज के अंदर मैंने पढ़ा तो क्या मिला, ये बहुत ज्यादा संस्कारी है। अभी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है, क्योंकि इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। ये बात सही है भाई, मैं जब सीरियल देखता था ना कभी कभी, मम्मी देखती है तो सोचता हूँ कि शायद ये लोग ड्रामा करते हैं सीरियल के अंदर, इसको लड़ाते हैं उसको लड़ाते, रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके। लेकिन ना भाई, कुत्ते की दुम कभी सीधा हुई है क्या? यही कुत्ता है वो, जो कि जब तक ये किसी की बात को तिरेंगे नहीं तब तक इनकी गांड की खाना हजम नहीं होगी। तो वाह यारो, इनके पिछवाड़े में एक बड़ा सा हजमोला का पैकेट डाल दे। ये बात सुन के ना मैं एक बात बता ही देना चाहता हूँ कि जो मैं बचपन से सोचता आ रहा था कि सीरियल वालों को कोई काम नहीं है, काम है भाई, दूसरे की बातों को दूसरे के अंदर एक गलत तरीके से प्रवेश करना और तब जाकर उसके पेट की खाना हजम होती है। ऐसे हैं सीरियल वाले, कभी शादी करेंगे तो कभी तलाक करेंगे, कभी शादी करेंगे कभी तलाक करेंगे, कभी उस घर को लड़ाएंगे कभी उस घर के लड़ाएंगे। बहनचोद कहीं एक का तो रहो। अबे मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? मैं ही हूँ और आप ही हो, लेकिन वो सब्सक्राइब का बटन नहीं, वो दबा दो और घंटी जो है ना भाई, कितना जोर से बजाओ, इतना जोर से बजाओ जो सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अरे गोपाल जल्दी चल, बिग बॉस सोनी लेनी आई है।